कंस की सभा में कंस के जो अनुचर थे उनमें एक स्त्री थी जिसका नाम था पूतना, जो राक्षसी थी। ये बात चल ही रही थी कि किस तरीके से उस बच्चे को पकड़ा जाए, किस तरीके से उस बच्चे को मारा जाए। तो पूतना कहती है कि मुझमें एक विशेष कला है, मैं सूंघकर बता सकती हूं कि किस घर के अंदर नया बच्चा जन्म लिया है। हाल का बच्चा जहां जन्मा हो मैं उस घर को सूंघकर पता लगा सकती हूं। तो मैं ये काम बहुत आसानी से कर सकती हूं, और उसके बाद एक काम करना, मैं बता दूंगी और तुम आना और मार देना सबको। कंस कहता है ये नहीं कर सकते अपन। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो जनता में विद्रोह हो जाएगा। कोई भी राजा नहीं चाहता कि जनता में विद्रोह हो। हमको ये काम इस तरीके से करना है कि पता ही न पड़े और हमारा नाम भी ना हो। तो पूतना, तुम्हारा ये सुझाव तो ठीक है, मगर ये काम करने का जो अंजाम देने का जो तरीका है वो समझ नहीं आया। तो पूतना कहती है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं तो मेरे पास एक और विद्या है, मैं भेष बदल सकती हूं, आप जानते हैं। तो कंस कहते हैं कि तो तुम उससे क्या करोगी? बोला मैं भेष बदल कर जाऊंगी और वहां भीड़ में शामिल हो जाऊंगी और मैं उसे विषपान करा के समाप्त कर दूंगी। कंस कहते हैं क्या यह संभव है? बोला आप उसकी चिंता मत करो, मेरे अंदर बहुत टैक्ट है, मैं मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, मुझे कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं असली हूं या नकली हूं। पूतना उस समय वहां गोकुल में पहुंची, हजारों गोप गोपियां आनंद मना रहे हैं। तो पूतना ने एक सुंदर वेश धारण किया जैसे साक्षात जगदम्बा धरती पर उतरी हो। और पूतना उस नंद भवन की ओर तेजी से बढ़ती जाती है। इतना सौंदर्य, इतना लावण्य, इतनी मधुरता, इतनी वैभवता उसने उस समय पैदा की अपने अंदर कि उससे कोई ये नहीं पूछ पाया कि आप कौन हैं। सोचिए आप, और वो सीधी घुसती चली गई नंद भवन में और पूछती है नंदरानी का है। लोग कहते हैं और अंदर और अंदर और अंदर जाओ 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 जाओ। और जहां नंदरानी कक्ष में बैठी है वहां पर वो पहुंच जाती है। और नंदरानी जैसे ही उन्हें देखती है नंदरानी खड़ी हो जाती है, आइए, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं, रोज लोग आ रहे हैं, बधाइयां बधाइयां बधाइयां। और वो आगे से बोलती है नंदरानी बधाई हो, खड़ी हो गई बेचारी। देखो कृष्ण का दास हमेशा नम्र होता है। अगर कृष्ण का दास है मतलब जिसने ईश्वर को जान लिया, पा लिया, समझ लिया, वो नम्र मिलेगा, वो सख्त नहीं मिलेगा। तो वो कहती है आइए आइए आइए, आप मेरे लाला को थोड़ा आशीर्वाद दो, मुझे लगता है आप कोई ब्राह्मणी हो। नहीं नहीं, आपने तो इतने आभूषण पहने, क्या आप किसी देवलोक से आई हो? क्या आप किसी राजा की राजकुमारी हो, महारानी हो, रानी हो? अरे खैर, आप जो भी हो, आप इतनी सुंदर हो, निश्चित आप कोई देवी हो। आप मेरे लाला के ऊपर हाथ रख दो, आप मेरे लाला को आशीर्वाद दे दो। और महाराज पूतना प्रसन्न हो रही है अंदर ही अंदर, ये काम ठीक हुआ। और पूतना की प्रसन्नता इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि पूतना ये सोचने लगी कि अब मेरा काम हुआ। और अंतोगत्वा सुंदर बात यह हुई कि मैया नंद रानी ने एक ही काम किया कि मैं जरा और मेहमानों को देख लूं, क्या आप मेरे लाला के पास बैठेंगी? पूतना को उसका जो सोचा था वैसा काम हो गया। पूतना ने जैसे ही नंद रानी बाहर गई, पूतना ने अपनी दृष्टि डालना चाहा उस पालने की तरफ जिस पालना में मेरे श्री कृष्ण चंद्र लेटे हुए हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं धीमे धीमे, तैयारी कर रहे हो, जैसे वार्म अप कर रहे हो अपने आप को अपनी लीला करने के लिए। और जैसे ही ये पास जाती है और जैसे ही ये भगवान को देखना चाहती है उस पालने में, वैसे ही मेरे श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए।
बड़ी सुंदर लीला है। कायदे से समझने का प्रयास किया जाए कि भगवान ने पूतना को देखकर क्यों नेत्र बंद कर लिए। भगवान है दयानिधि, भगवान है कृपालु, भगवान है दयालु, और भगवान इतने 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 दयालु हैं कि उनको देखने भर से दुष्ट का दुष्ट व्यक्ति भी अपने पाप को छोड़ के शरणागति पकड़ लेता है। और नेत्रों में होती है सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो कहीं भगवान ने ये सोचा कि ये पूतना जो काम करने आई है, जो लीला करने आई है, अगर इसने मेरे नेत्रों को देख लिया और मेरे नेत्रों में समा गई है अगर, तो ये लीला नहीं कर पाएगी और फिर मेरा काम अधूरा रह जाएगा। तो मेरे ठाकुर जी ने यही सोचा शायद। उसने कहा ठीक है, बालक सो रहा है, ये और अच्छा मौका है। तो भगवान कभी सोता नहीं है, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको उठाया, भगवान को लिया, और भगवान को लेकर वो धीरे से पीछे के बाड़े से बाहर निकली। और बाहर निकल के उसने और आगे गई और एकांत जगह देखी जहां उसने बैठकर पहले तो लल्ला को गोद में रखा। और उसने दिमाग क्या लगाया था कि मुझे कोई औरतें, क्योंकि औरत का वेश बन के जा रही है, कोई पकड़ ना पाए, कोई जान ना पाए, तो उसने क्या किया कि मैं इनको अपना दुग्धपान कराऊंगी जिससे कोई मुझे इस बालक की मां समझेगा तो मुझे कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। बड़ी चतुर थी ये पूतना, तो इसने ये किया और ये भगवान को दुग्धपान कराने लगी। पर इसमें भी इसके अंदर एक मैल है। इसने क्या किया, इसने अपने स्तनों पे कालकूट नाम, कालकूट जो विष, बहुत खतरनाक विष जिसे भगवान शंकर ने पिया, वो लगाकर आई थी कि जैसे ये दुग्धपान करेगा विष इसके मुख में जाएगा और ये बालक मर जाएगा, मुझे कोई पकड़ नहीं। भगवान सब जान रहे हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान को आज तक जितनी मैया मिली है, दूध में शक्कर मिलाकर पिलाने वाली मिली है, आज पहली बार कोई मैया मिली है जो दूध में जहर पिलाकर आई है। ऐसी भी मैया भगवान को कैसी कैसी मैया मिली है ये देखो आप। और उसने दुग्ध पिलाना शुरू किया, भगवान ने दुग्ध पीना शुरू किया। भगवान बड़े आनंद के साथ दुग्धपान करते जा रहे हैं, बहुत आनंदित हैं। और वो भी आनंदित है कि बस थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में इसको मरना है, मरना है। बड़ी प्रसन्न है और वो ध्यान करती है थोड़ी देर बाद कि वो कमजोर सी हो रही है, क्योंकि भगवान ने जितना दुग्धपान करना था वो कर लिया। उसके बाद भगवान ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। उतना घबराई, पूतना को लगा कुछ गड़बड़ हो रही है, और पूतना ने लल्ला को अपनी छाती से अलग करने का प्रयास किया, फेंकने का प्रयास किया, खींचने का प्रयास किया। लल्ला है कि मानता नहीं, वो छूटना नहीं चाहता और वो छोड़ना चाहती है, वो हटाना चाहती है। और जब उसने देखा कि अब मुझमें जान नहीं बची, जब वो मरने जैसी स्थिति में आ गई, तो उसका वो जो आर्टिफिशियल रूप था वो समाप्त हुआ और अपने असली रूप में आ गई, रोने लगी। और क्या हुआ कि वो वापस से अपने विशाल देह, जो दैत्याकार उसकी देह थी, जो देह राक्षसी देह थी, उसमें वो प्रकट हो गई। महाराज छह कोस का उसका शरीर हो गया, छह कोस का शरीर उसका, और चिंगाड़ रही है, चिल्ला रही है। और उस छोटे से बालक को जो समझ रही थी कि इसको मारने आए हूं, अभी वो बालक वापस से वही स्थिति में है दुग्ध पान करने में। असल में दुग्ध जितना पीना था पी लिया, अब तो वहां पर उसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया मेरे गोविंद ने। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ कहती रही और धीमे धीमे बेहोश होती रही। भगवान ने जब उसके पूरे प्राण पी लिए, तब जाके वो धड़ाम से, और जैसे ही वो धड़ाम से गिरती है, मानो भूकंप आ गया हो पूरे गोकुल में। गोकुल वासी दौड़ लगाते हैं, सोचा है क्या हुआ, सब वैसे कांप रहे हैं कि भाई इतना क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ। देखा तो एक महान घटना घट गई कि एक राक्षसी है जो गिरी है, जिसके वजह से सब कुछ हुआ।